महल वाला एरिया, कैमरे जो है ना वो तो अलाउ नहीं किए इन्होंने अंदर ले जाने के लिए। ये देख रहे हैं आप बैक साइड पे, तो अंदर चलते हैं और भी इसके व्यूज़ देखते हैं। ये शीश महल है जी, ये शीश महल, ये तो बहुत है ब्रिलियंट। ये देख रहे हैं दीवारों के ऊपर क्या हालत की हुई है हमारे नौजवानों ने, ये जो जो ये जो इकबाल के शहीन हैं लिखा हुआ नंबर लिखे हैं, पता नहीं क्या क्या गंद मारा हुआ इधर, इस वजह से यहाँ पे पवनियाँ ज़्यादा लग रही हैं। खैर शीश महल वाला एरिया ये वाला, सच्ची मुझे शीशा ही ना हो, ये अब इस शीश महल में कोई हमारे साथ कोई गाइड होता तो हमें गाइड करता कि यहाँ पर क्या ऐसी खुफिया कंस्ट्रक्शन में चीज़ें रखी गई थी। मेरा एक सवाल है, इस जगह को शीश महल क्यों कहा जाता है? ये यहाँ पे जितना भी शीशे का काम हो गया जो भी यहाँ पर, हाँ उसके बारे में मशहूर है कि इसके अंदर बहुत ही नायाब पत्थर लगे हुए होते हैं और ये बड़ा स्पेशली जो उस टाइम के जो बादशाह थे उन्होंने खास किस्म के लिए अपनी बेगमार के लिए बनाया। अच्छा वैसे इसमें जितने भी पत्थर थे ना वो पत्थर जब इस पर कब्जा किया था सिख जो थे उन्होंने, तो यहाँ सारे पत्थर मैंने सुना है, ये मेरे उन्होंने उतार के यहाँ से। सही जी, ये एक कुआं हमें नज़र आया शीश महल में, तो अभी आपको दिखाते भी हैं। बहुत बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रस्से हैं, मुझे मोबाइल बड़ा संभाल के पकड़ना पड़ना, नहीं तो सीधा नीचे जाएगा तो मिलेगा नहीं। खैर वो आपको एक रास्ता नज़र आ रहा होगा, ये कुआं है, एक ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये जो विंडो एक बनी है जिसे बंद किया हुआ है, और इसका दूसरी तरफ से भी अगर वहाँ पर रोशनी जा रही है तो नज़र आएगा। कितना मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, हाँ वो देखें ये देखें, चलो आ जाओ ये रस्ते हैं खुफिया। बाहर डांस करते हुए बैली डांस कर रहा है ये लड़का, मेरा शरारती सवाल है, वो फिल्मों में देखा होता है कि जो हवेलियाँ होती हैं पुराने या पुराने मकानात होते हैं बंद होते हैं वहाँ पे जिन भूत चुड़ैलें आ जाती हैं, यहाँ पर भी आती हैं पुराने दौर की परियाँ चुड़ैलें सोशल पर लाते हैं परियाँ देखने के लिए